हेलो एवरीवन एंड माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स एंड सब्सक्राइब। आज जो मेरा वीडियो होने वाला है, इस वीडियो में आप लोगों के सामने बहुत ही यूनिक और बेहतरीन एयर पंप लेके आया हूँ और इस कंपनी का नाम है बारबस। इसके एयर पंप की बहुत खासियत है, आप लोग जैसे सभी लोग जानते हैं, हमेशा ही चीज़ों का नई नई चीज़ों का रिव्यू करता रहता हूँ, एक्वेरियम प्रोडक्ट्स का रिव्यू प्लस फिश केयर की जानकारी लाता रहता हूँ। एक से बढ़कर एक लेटेस्ट और बेहतरीन प्रोडक्ट आप लोगों को जानकारी देने की कोशिश करता हूँ, बिकॉज इसका रीज़न सब लोग जानते हैं बहुत सारे हैं, क्योंकि इनकी जानकारी हम लोगों को और कहीं भी नहीं मिलती, या तो YouTube पे या तो Google पे मिलती, बहुत सी Google पे और YouTube पे भी नहीं मिलती, तब फिर कोशिश करते हैं हम लोग उसको आपके पास लाने की। जिसमें से एक चीज़ है, आज एक कंपनी है, रसिया की कंपनी है, बारबस कंपनी है, और इसकी कंपनी की बहुत सारी खासियत, एयर पंप तो सब होते हैं बट मैं हमेशा ही कुछ चीज़ें जो भी लाता हूँ तो उसमें कुछ अगर डिफरेंट और यूनिक चीज़ें होती हैं तो ही मैं उसको प्रेजेंट करता हूँ, नहीं तो नहीं करता। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहले तो 1.2 वाट का है, मतलब कुछ कितने कम पावर कंज्यूम करेगा। बहुत सारे एयर पंप होते हैं 3 वाट से 2 वाट से कम के नहीं होते हैं, और अगर उसमें लिखा भी होता है, कई लोगों की कंप्लेंट होती है इसमें लिखा भले 3 वाट, और लेकिन ये जब बिल आता है बिजली का तो महीने में काफ़ी ज़्यादा बिल में फ़र्क पड़ने लगता है। और बहुत सारी कंपनीज़ अच्छी नहीं होती, बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, साउंड बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत कंप्रेसर की आवाज़ आती रहती है, मतलब कुछ न कुछ यूनिक आइडियाज़, यूनिक प्रोडक्ट्स आप लोगों को मैं शो करवाने की कोशिश करता हूँ। आप लोग देख सकते हैं, ये पूरा का पूरा ब्रांड ही रसियन ब्रांड है, पूरा इसका डिस्क्रिप्शन और सारा कुछ रसिया लैंग्वेज में दिया हुआ है, इसमें हिंदी इंग्लिश कुछ भी नहीं है, और इसकी वेबसाइट भी मैंने चेक की थी, वो भी रसियन ही थी। आप लोग देख सकते हैं इसका डिस्क्रिप्शन और मीनू भी जो दिया है, फंक्शन वर्क करने का सिस्टम, वो भी रसियन ही है। अब मैं आप लोगों को इस एयर पंप का मॉडल नंबर बताना चाहूँगा, उसके बाद मैं इसकी अनबॉक्सिंग करके आपके पास एक छोटा टैंक रखा हूँ उसमें चला के भी दिखाऊँगा। इस पंप का एयर मॉडल है AIR017, 28 लीटर पर हावर्स इस पर लिखा हुआ है, एयर देगा, देखते हैं अभी है कितना यूनिक कितना ब्यूटीफुल। और आई थिंक पहली बार ही सब लोग देख रहे होंगे इसे। सबसे ख़ास बात इसकी ये है कि ये जो एयर पंप है ये अपने इंडिया में अवेलेबल है, साइज काफ़ी छोटी है। दूसरी सबसे ख़ास बात, इसमें साउंड और नॉइस है ही नहीं, मतलब जीरो नॉइस, एक भी साउंड नहीं है। कहा जाए तो जितने भी आप लोगों ने पंप देखे हैं कंट्रोल करना पड़ता है, बहुत ब्रांडेड होते हैं, बहुत महंगे होते हैं, फिर भी उनमें थोड़ा सा ज़रा सा नॉइस का सामना करना पड़ता है, बट इसमें बिल्कुल भी नॉइस नहीं है। आप लोग देख सकते हो, सबसे पहले एक एयर पाइप मिली हुई है, देखने में ऐसा लगेगा कि चार्जेबल एयर पंप है या बैटरी लगती है, कुछ उस तरीके से इसमें पूरा सिस्टम दिया हुआ है। एक एक्रेलिक का हैंग करने के लिए दिया हुआ है, एक एयर बाल है, एक मीनू है। इस मीनू को हम लोगों को देखना चाहिए, बिकॉज इसके बाहर कुछ लिखा नहीं, शायद इसमें कुछ इंग्लिश से मिल जाए लिखा पढ़ा, तो इसमें भी सारा का सारा रशियन लैंग्वेज पे दिया हुआ है, बट फिर भी कोई नहीं, इतना हम लोगों का एक्सपीरियंस हो चुका है, 1 और 2 स्टेप पे वर्क करेगा जो अपन लोग डायरेक्ट एक्वेरियम पे चेक करते हैं। आप लोग देख सकते हो इसके साथ में एक अडॉप्टर दिया हुआ है, और ये एक एयर पंप है। इस एयर पंप में किसी भी तरीके से, मतलब चारों तरफ से पूरा पैक है, सील्ड पैक है, ऐसा मतलब कि सभी एयर पंप जैसे में काफ़ी वेट हल्का है, कहा जाए तो बहुत ही लाइट वेट है, हर तरफ से लगाना होगा। और इसकी जो एयर वाली पाइप होती है वो इस पर लगाएंगे ऐसे यूँ, और फिर इस पाइप को इस पर लगा देते हैं, ये ऑटोमेटिकली पकड़ लेगा। अब इससे आपकी एयर पाइप निकलेगी भी नहीं, मतलब कि एक तो एयर पाइप भी टाइट हो गई, दूसरी चीज़ आपको एयर पंप को हैंग करने का भी लफड़ा ख़त्म, इसका सिस्टम दिया हुआ है, ऐसे यूँ लगा दें। अब थर्ड नंबर पे इसका अडॉप्टर देखते हैं। इसकी टेक्नोलॉजी अगर अपन लोग कहें तो काफ़ी स्पेशल और यूनिक है। इसका रीज़न ये है, एक तो ये मेड इन रसिया है, और उसकी टेक्नोलॉजी अपन लोग देख रहे हैं, इसके अडॉप्टर पे तो है तो लिखा तो 5 वोल्ट ही है, बट ये एयर पंप तो खैर 1.2 वोल्ट का है, मतलब अंदर कुछ रेजिस्टेंस कंपोनेंट लगे होंगे जो वोल्टेज को और ज़्यादा कंज्यूम करेंगे। अपन लोग इसकी एयर वाली बल्ब लगा देते हैं और डालते हैं इसे पानी के अंदर और चेक करते हैं। आप लोग देख सकते हैं बबल्स, देख सकते हैं कितना निकल रहा है,
किस तरीके से निकल रहा है, और दूसरी चीज़ मैं अपना माइक निकाल रहा हूँ जो मैंने लगाया हुआ है वॉइस रिकॉर्डिंग के लिए, और मैं इसके पास में लेके जा रहा हूँ जहाँ से बबल निकल रही है। आप लोगों को बबल का साउंड सुनाई दे रहा होगा, लेकिन अब मैं एयर पम्प के पास में लेके जा रहा हूँ। आप लोगों को एयर पम्प का साउंड सुनाई दे, वाइब्रेशन समझ में आए तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। मतलब कहा जाए तो जीरो जिसे बोल सकते हैं, नो नॉइस, मतलब ऐसा पता ही नहीं चल रहा है कि एयर पम्प चल भी रहा है। अगर मेरी शॉप में फ़ैन ऑन है और कुछ चीज़ों, कई सारी मोटर्स वगैरह चल रही हैं, उनके अलावा उन चीज़ों को साउंड ज़रूर आ रहा है, लेकिन इसमें आप लोग सुने ध्यान से, जैसे आप लोगों को फ़र्क समझ में आया होगा, ऑन होने पे कुछ अलग ही साउंड आता है। और इधर साइज़ देख ले कितनी छोटी सी और प्यारी सी है, मुश्किल से 2.5 इंच का, 2.5 इंच, मतलब एक भी झंझनाहट नहीं, कोई वाइब्रेशन नहीं, कोई साउंड नहीं। मतलब मैं तो पहली बार ऐसा एयरपम्प देखा हूँ, इतना प्यारा ब्यूटीफुल स्टैंडर्ड, छोटे टैंक के लिए और ऐसे लोगों के लिए जो एकदम नॉइज़ फ्री रूम में रहते हैं, साउंड उनको बर्दाश्त नहीं होता। होता है ना कि थोड़े से दो पैसे ज़्यादा लग जाए पर चीज़ अच्छी मिलनी चाहिए, उस तरीके में इससे बेहतरीन मिलना कुछ भी आई थिंक पॉसिबल नहीं। इसकी एक बार कैपेसिटी चेक करते हैं कि पानी की कितनी ज़्यादा गहराई में वर्क करता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव एयर पंप है, और ये पता चला कोई भाई लोग इसे ख़रीदते हैं, कहीं से मंगाते हैं, ढूंढते हैं, और उसके बाद ये उनके टैंक में काम ना करे तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। इसके लिए मैं इसको यहाँ से निकाल रहा हूँ, और मैं अब इसे की जितनी भी पाइप है कि डे लेंथ है, इस पूरी पाइप को पानी के अंदर डालूँगा। इसका सबसे पहले प्लग निकाल देते हैं, और इसको मैं इस नेचर एक्वेरियम पर डालता हूँ मैं, और ये देखेंगे कि इसको पूरा पानी के अंदर डाल के, मतलब इतना गहरा हो किसी का टैंक तो उस पर वर्क भी करेगा या नहीं। पता चला आप ले जाए छोटे टैंक में या बाउल में या उसी पे काम करे तो प्रॉब्लम ही हो जाएगी, कि मुझे ही सुनना पड़ेगा कंप्लेंट। अब आप लोग देख सकते हो, ये कहा जाए तो ये 18 इंच हाइट का एक्वेरियम है, इस पर ये बराबर काम कर रहा है। तो कुल मिला के अगर आपका टैंक 2 फीट है की हाइट है, उसमें ये परफेक्ट काम करेगा। कहा जाए तो परफेक्ट नहीं कह सकते हैं, तो ये काम तो करेगा ही, लेकिन इसका जो एयर का फ्लो है, एयर की जो बबल्स की स्पीड्स हैं और क्वांटिटी है बबल की, वो अदर एयर पंप से के अकॉर्डिंग ये कम है। मतलब इसका जो एयर का फेंकने का पावर, मतलब आपको कंट्रोलर लगाने की जरूरत नहीं है, पाइप यहाँ से निकलने का कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि फोर्स कम रहेगा तो यहाँ से आपकी पाइप नहीं निकलेगी। कम एयर है, मतलब छोटी मछलियाँ हैं, नियॉन टिट्रास हैं, गोल्ड वगैरह हैं, मौली हैं, गप्पी, उनके लिए काफ़ी बेहतरीन है। बड़ी मछलियाँ हैं तो इमरजेंसी में कभी लाइट चली जाती है, कुछ भी हो जाता है, और अगर आप लोग इसे कन्वर्ट कर लेते हैं, मतलब कि अगर नॉर्मल किसी बैटरी से चलाते हैं तो भी ये चलेगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा होगा। तो आप सोच रहे होंगे मैंने प्राइस अभी तक नहीं बताई, तो इस एयर पम्प की जो प्राइस है इंडिया में 600 रुपीज़, 600 रुपये का है, और 600 के हिसाब से कैसा एयर पंप है आप लोग मुझे कमेंट करके भी बता ही दीजिएगा। तो मेरे चैनल पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतने, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।